हेलो, हाँ 12 बजे आ जाऊंगी। आज रात को ही मौका मिल गया, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। सोनम का प्लान हुआ फेल, सावी का हुआ डिम्पी के सामने पर्दाफाश। जी हाँ, कलर्स के पॉपुलर टीवी सीरियल सावी की सवारी के अपकमिंग एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सोनम का प्लान फेल हो जाता है। दरअसल सावी लेकर आती है नित्यम के लिए लंच, लेकिन इतने में सावी को बीच में काम पड़ जाता है और वो ये लंच बॉक्स थमा जाती है सोनम के हाथों में। वहीं सोनम सोचती है कि वो इस मौके का फायदा उठाएगी और नित्यम से कहेगी कि उसने ये लंच अपने हाथों से बनाया है। जी हाँ, सोनम जाती है नित्यम के ऑफिस और नित्यम से कहती है कि उसने ये लंच बनाया है दोनों के लिए, लेकिन जब नित्यम वो लंच को टेस्ट करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वेल, सावी ने गलती से उस लंच में ज्यादा नमक और मसाले डाल दिए होते हैं और इसी तरह से सोनम का प्लान जो है नित्यम को इम्प्रेस करने का वो फेल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सावी अपने घर पहुंच चुकी है और उसे आता है राजा भैया से एक फोन कॉल। वेल, सावी को रात के 12 बजे जाना होगा उनसे मिलने के लिए और यही फोन कॉल सुन लेती है डिम्पी। तब डिम्पी को पता चल जाता है कि सावी आज रात 12 बजे फिर से बाहर निकलने वाली है, यानी कि अब डिम्पी करने वाली है सावी का पीछा ताकि वो उसका पर्दाफाश कर सके। तो क्या सावी का राज सबके सामने जल्द ही खुल जाएगा? साथ ही क्या सोनम का शक जो सावी पर है वो सच में तब्दील हो जाएगा? वेल, आपको क्या लगता है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।